70 लाख का तो बजट था, लेकिन लगता है कि उससे ज्यादा हाँ लोग बनाए। अच्छा, इस मंदिर को बनवाने में कितना समय लगा? 3 महीने लगा, 90 दिन। 90 दिन एकदम। जय हिंद दोस्तों, आप देखना चालू कर दिए हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त जीतू कुमार मिश्रा। अभी हम हैं बिहार के गोपालगंज जिला में, जहां पे सामने आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है, भव पंडाल जो दिखाई दे रहा है, जो बिहार के लाल ने गोपालगंज जिला में कर दिया है। ये माता रानी का मंदिर राजदल आप सामने देख रहे हैं, ये भव पंडाल जो है वो गोपालगंज के है, जो राजा दल के नाम से जाना जाता है। ये पंडाल जो है वो राजा दाम दल के नाम से जाता है, और ये मंदिर जो आलगन जिला के बस स्टैंड से जो हरखुआ रहता है उसी रास्ता में ये पंडाल जो है स्थित है। और यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। आगे बात करिए, आप लोग कमेंट में जय माता दी लगाइएगा, और ये पंडाल आप लोग कैसा लगा ये आप बताइएगा। और हमारी बात होगी यहाँ, आपका नाम क्या हुआ? मोहन गुप्ता नाम हुआ। मोहन गुप्ता जी बताइए, आपका जो है पंडाल बनने में बहुत ज्यादा मददगार हुए हैं आप, इतना भारी पंडाल। श्रुति मंदिर इसका ये सारंगपुर गुजरात में स्थित है जी, जी, जी। और इसी 23 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। अच्छा अच्छा। तो हर साल हर बार तो हम लोग पिछले हर देश के हर कोने के मंदिर बनवाते थे, लेकिन हम लोगों ने अलग किया है, एकदम नया मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसी का स्वरूप हम लोग बनाए। अच्छा, इस मंदिर को बनवाने में कितना समय लगा? 3 महीने लगा, 90 दिन। 90 दिन इस मंदिर को बनवाने में अप्रोक्स खर्चा जो है कितना आया? 70 लाख का तो बजट था, लेकिन लगता है कि उससे ज्यादा। हाँ देखिए, बिहार के गोपालगंज में, गोपालगंज जहाँ हर बार कुछ अनोखा होता है, वहाँ पे देखिए एक और अनोखा हुआ है। एक मंदिर जो भव पंडाल जो 70 लाख से ज्यादा खर्च में गोपालगंज के लाल ने कर दिए हैं कमाल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को भी धन्यवाद जी। जी देखिए, हमारे गोपालगंज में इतना भव पंडाल आप लोगों को देखने को मिला। हमारे चैनल के जो भी दर्शक है वो इस पंडाल को देखिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय माता दी।